इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान के अध्याय 4 गति के सभी प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले देखते हैं अध्याय के बीच बीच में पूछा गया प्रश्नों का उत्तर। तो सबसे पहले पृष्ठ 55 के प्रश्न पहला, चाल एवं वेग में अंतर लिखें। चाल एवं वेग में प्रमुख अंतर, पहला है चाल किसी पिंड द्वारा मात्रक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग में होगा किसी पिंड द्वारा किसी निश्चित दिशा में मात्रक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। दूसरा है चाल एक अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। तीसरा अंतर होगा चाल हमेशा धनात्मक होता है, वेग धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। प्रश्न दूसरा है किस स्थिति में किसी वस्तु के औसत चाल व वेग का परिमाप बराबर होगा। उत्तर है एक समान त्वरण से चलने पर औसत चाल व वेग का परिणाम बराबर होगा। प्रश्न तीसरा है एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचें। तो इसका समय ग्राफ खींचना है तो इस तरह से है, देखकर आप अपने नोट समय अच्छे से समय ग्राफ खींच लेंगे। अब देखते हैं पृष्ठ 63 के प्रश्न पहला, एक समान मंदन में वेग समय ग्राफ खींचे। उत्तर है मंदन जब किसी त्वरित गति अर्थात जिसके वेग में परिवर्तन होते रहता है, वेग के परिणाम में कमी होती है, तो उस समय वस्तु को मंदन की स्थिति में है कहा जाता है। इस स्थिति में समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, वेग में वृद्धि होने पर त्वरण कहलाता है। मंदन के उदाहरण है गतिशील वाहन को ब्रेक मारने पर वेग में कमी होना, दूसरा है वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर वेग में कमी होना। त्वरित गति के लिए गति का समीकरण इस तरह से है वी बराबर यू प्लस ए टी, बाकी इधर इस तरह से इसे देखकर आप अपना नोट्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर अपना वेग 18 किलोमीटर हॉर्स से 36 किलोमीटर हॉर्स 5 सेकेंड में कर लेती है तो उसका त्वरण एवं उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हल दिया है इस तरह से, इसका हल हो जाएगा एस बराबर 135 किलोमीटर, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है एक कार एक समान वेग 36 किलोमीटर हॉर्स से चल रही है, ब्रेक लगाने पर 10 मीटर दूर जाकर रुकती है, त्वरण एवं रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए। जिसका हल इस तरह से है, अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्न पहला दूसरा, सही विकल्प है खाली स्थान है जिसका उत्तर आपके बुक में मिल जाएगा। हम देखते हैं प्रश्न तीसरा, एक समान वृत्ति गति किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दे। उत्तर है जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील हो और उसका चाल नियत हो अर्थात वेग का परिमाण नियत हो तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण है घड़ी की सुइयों की गति, दूसरा नियत वेग पर कार के पहियों की गति। प्रश्न चौथा देखते हैं, एक वस्तु सूर्य के चारों ओर नियत वेग से चल रही है, उसकी गति एक समान गति है या असमान। तो एक समान गति है क्योंकि एक समान गति में वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। प्रश्न पांच, एक वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ नीचे दिया गया है, उसके वेग के बारे में आप क्या परिणाम निकालेंगे। उत्तर, चूंकि ग्राफ में सरल रेखा प्राप्त होती है अतः संबंध गति एक समान गति है, जिसका ग्राफ इस तरह से है। आगे प्रश्न छह, एक वस्तु का स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा है, उसकी गति के बारे में आप क्या कहेंगे। उत्तर होगा इसका, वस्तु का स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा है। इससे पता चलता है कि एक समान त्वरित के साथ समय भी नियत है अर्थात वस्तु का वेग समय के साथ साथ स्थित है। प्रश्न सातवां है, एक समान गति तथा असमान गति को परिभाषित करते हुए प्रत्येक के दो दो उदाहरण दे। उत्तर, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। याद रखना है
जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। उदाहरण पंखे का घूमना, दूसरा उदाहरण पृथ्वी का घूमना। असमान गति है जब कोई वस्तु समान दूरी को पृथक पृथक समय में चलती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। उदाहरण चलती बस की गति और रेलगाड़ी की गति। प्रश्न 8 है, गति के तीनों समीकरण उसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए। तो गति के समीकरण के तीनों संकेत और उसका अर्थ इस तरह से है, प्रश्न 9, एक एथलीट वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है का एक चक्कर 44 सेकेंड में लगाता है, एक मिनट बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। इसका पूरा हल इस तरह से है, प्रश्न 10वां है, ग्राफीय विधि से गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2at का वर्ग व्युत्पन्न करें। इसका हल इस तरह से होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।